करिए कुछ करिए, नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए, कुछ करिए कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए। से उड़ने वाली तेरी छटा है निराली, बड़ी दौड़ में अग्रणी, तेरी तपस्या के हम है ऋणी। भारत के तिरंगे को कर रोशन, तूने किया समस्त देशवासियों के गर्व का पोषण। सफलता का नारा है तू, सबला है तू, देश का सहारा है तू। बहुत बहुत स्वागत है आपका यो इंडिया टीवी पर, सुस्वागतम सुधा जी। नमस्कार सिंह, अर्जुन अवार्डी सुधा सिंह, यश भारती अवार्डी सुधा सिंह, एशियन गेम्स गोल्ड एंड सिल्वर मेडलिस्ट सुधा सिंह, प्राइड ऑफ इंडिया, अ ट्रेल ब्लेजर इन स्पोर्ट्स, अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ एन एम्पावर्ड वुमन, a symbol of rural progression and a contributor to a social upliftment via Sudha Singh Foundation and Foster Kids School. Sudha Singh is one of those successful, accomplished and blessed women who have laid an international mark. 3000 meters steeplechase is her area of expertise, and India the breeding ground for her development and success. Welcome Sudha to Yo India TV with me, Jasleen Khanuja, and how is the feel this morning? Hello ma'am, good morning. सबसे पहले आपका नमस्कार करती हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आप लोग ने पहले भी इसके पहले प्रोग्राम किया, उसमें भी बहुत अच्छा लगा और आज फिर से आपसे मिलने का मौका मिला और फिर से आपने मुझे फोन करके बताया कि मैं आपका प्रोग्राम मतलब करना चाहती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं बहुत खुशी हूँ आप लोगों से मिलके और ये प्रोग्राम की वजह से कि सबके सामने लाइव आऊँ और सबसे मिलूँ और अपनी बातें कहूँ और आपकी भी सुनूँ। बिल्कुल, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। So Sudha, you know, first when I saw your picture, I was reminded of P.T. Usha, Padma Shri, Pillavilla Candy, Thakke Paramil. Usha, often called the queen of Indian track and field, golden girl, Paoli Express, who won laurels for India in the 1986 Asian Games held in Seoul, Korea. And you are surely India's next queen of track and field events. तो कभी आप पीटी उषा जी से मिले या कभी आपको ऐसा लगा कि वो पहले से दौड़ रही हैं तो वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन है? नहीं, हाँ ये जो है, जब एक्चुअली जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया उसके बाद, क्योंकि पहले हम मुझे भी आपको पता है कि मेरे घर में पूरे घर में कोई स्पोर्ट्स मैन नहीं, तो जब कोई स्पोर्ट्स मैन ऐसा रहता नहीं तो बस हाँ नाम सुना था कि मतलब पीटी उषा मैम है, क्योंकि जब उन्होंने एशियन गेम्स मेडल लिया तब मेरा जन्म हुआ 86 मेरा बोन है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और रही बात जब मैं धीरे धीरे अपना नेशनल में पार्टिसिपेट्स किया, तो जब वो हर कभी स्कूल नेशनल होता था या जूनियर नेशनल होता था तो वो प्रोग्राम में चीफ गेस्ट में आते थे, तो मुझे याद है 2003 में जूनियर नेशनल हुआ था तो वो चीफ गेस्ट में आते, तो मेरे पास तो कैमरा था नहीं, तो छोटा सा किसी का कैमरा था कोडेक का, तो मैं उनका लेके उनके साथ पिक लेने के लिए मैं भाग भाग के जा रही थी, तब तक एक्चुअली मैं स्टेयर से गिर गई, मेरा कैमरा भी ब्रोकेड हो गया, मैं उनके साथ पिक नहीं ले पाई, तो मुझे बहुत दुख हुआ। फिर लेकिन फिर नेक्स्ट कॉम्पिटिशन मिलते गए, लेकिन तब इतना फोन और ये कैमरा हम लोग के पास नहीं रहता था, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनके साथ पिक नहीं और हम लोग अभी
एक फ्रेंड की तरह या एक गुरु भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा उनके क्लोज हूँ। तो वो कभी भी कहीं फंक्शन में जाएंगे या कुछ होता है तो सुधा मेरी फ्रेंड है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कहाँ मैं जूनियर में उनके पीछे पीछे फोटो लेने के लिए बहुत मतलब भागती रहती हूँ, और आज मैं उनसे मतलब इतनी क्लोज हूँ और मतलब बात भी करती हूँ। तो मुझे मतलब यकीन भी नहीं होता, लेकिन अभी क्या होता है ना, जब इंसान को कोई चीज होती है ना मिल जाती है तो उसकी कीमत नहीं पता होती है जी। तो अभी हम लोग इतने साथ में रहते हैं तो लगता ही नहीं है कि मतलब हाँ ये पीटी उषा मैडम है, सभी लोग पीटी उषा। अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं बाहर भी जाते हैं जो उनका नाम है बहुत ही बड़ा, मतलब उनका नाम ही एक काफी है पीटी उषा मैम। तो बहुत खुशी होती है कि हाँ मैं इनके टच में हूँ या हम इनसे इतना बात करते हैं। जब मुझे अवार्ड भी मिला, उनका भी रोल रहा है काफी, तो उन्होंने मुझे तुरंत फोन भी किया, तो मैं बिजी थी तो कह रहा हाँ आप तो तुम मेरा फोन भी नहीं उठाओगी, मैंने कहा नहीं नहीं मैम। तो कह रही मुझे इतनी खुशी हो रही कि तुम्हें मिला है, मुझे बहुत बहुत मतलब उनका पूरे परिवार ने सबसे कम तो हाफ एन आवर तक मुझसे बात किया, कह रहे मुझे बहुत खुशी कि तुम्हें पद्मश्री के लिए इस पर मिल गया। जी जी बहुत अच्छी है। और वो मेन स्पोर्ट्समैन तो है, वो उनका जो नेचर है बहुत ही अच्छा है। एक जो हम बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्समैन के लिए कभी कभी कोई स्पोर्ट्समैन होता है अच्छा नहीं ऐसा है, तो वो उनका बिल्कुल डिफरेंट नेचर है। आपसे बात करके मुझे भी लगता है आपका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा है। भी बात भी बहुत ही सरल स्वभाव, बहुत ही शांत स्वभाव और चीयरफुल जो आप रहती हैं, और पूरे देश को भी आपने ऐसा खुशहाल बना दिया। यू नो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है हमेशा नॉट जस्ट जितना आप ऊपर उठो थोड़ा सा झुक के भी चलना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि आम का पेड़ में कोई भी फ्रूट हो अगर उसमें जब तक फ्रूट रहता तो नीचे ही झुका रहता है। तो हमेशा मुझे लगता है कि अगर आपको ऊपर जाना है तो थोड़ा झुक के ही चलना चाहिए। और हम कभी स्टेयर भी चढ़ते हैं तो हमेशा थोड़ा झुक के चलते हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो सुधा, यू आर नॉट जस्ट अ नेशनल रिकॉर्ड ब्रेकर बट द फर्स्ट Asian champion in the discipline of 3000 meters steeplechase. In the very first instance of the 3000 meters steeplechase held at the Asiad or the Asian Games held in Guangzhou or Canton in southern China in 2010, you were able to finish the race clocking a time of just 9:55.67. So was it breaking your own record as well? आपको ऐसा लगा आपने टारगेट बीट किया है? हाँ एक्चुअली हाँ, कॉमनवेल्थ में मैंने 9:57 किया था, तो वहाँ भी मैंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो 15 डेज एशियन गेम्स था गोंजो चाइना में, तो मेरा फर्स्ट एशियन गेम्स था और मुझे ये था कि मेडल लेना है, लेकिन ये नहीं पता था कि गोल्ड आएगा, और गोल्ड के साथ एशिया रिकॉर्ड भी होगा, इंडिया रिकॉर्ड, ये तो मुझे बाद में पता चला। तो एशिया रिकॉर्ड का भी नहीं पता था कि एशिया रिकॉर्ड हो गया, कि फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स में स्टीपल चेस हुआ और मैं उसमें विनर हो गई। तो ये था कि कम्पीट करना है, फर्स्ट है तो पहली बार गई भी थी एशियन गेम्स, तो ये था कि मुझे मेडल लेना। और जब वहाँ पे रेस होता है ना, रेस स्टार्ट थी, तो पहले मैं सबसे पीछे भाग रही थी, तो उसमें मेरा कोच रशियन कोच थे, वो बहुत ही मतलब ट्रैक्स के ऊपर से उधर चिल्लाना स्टार्ट किया, क्योंकि उसने बोला था मुझे कि जो सेकंड गर्ल्स रहेगा या फ्रंट में जाना है या साथ में ही जाना है। मुझे पता नहीं क्या होगा, मैं कभी सबसे पीछे कभी सबसे आगे ऐसे पूरी रेस में करते गए, लेकिन लास्ट 300 मेरा माइंड कैसे चेंज हुआ मुझे पता नहीं, मैं बहुत फास्ट किया, मतलब मेरा डिस्टेंस उस समय 50 मीटर्स का हो गया था, 40 मीटर्स का। लेकिन मुझे ये नहीं, हाँ मुझे ये था मैं फर्स्ट आ रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था जो मेरे पीछे लड़के आ रहे हैं चाइनीज गर्ल्स थे, वो लास्ट में उसका भी स्पीड अच्छा था। तो लास्ट में जब 10 मीटर होता है 20 मीटर, उसमें वो मेरे साथ में आ गए, मुझे थोड़े देर तक समझ, लास्ट में 10 मीटर्स मेरा बहुत मतलब माइक्रो सेकेंड वाला फाइट हो गया। मैं 300 से 50 मीटर गैप में आ रही थी, मुझे था कि मैं फर्स्ट हूँ, लेकिन लास्ट में ऐसा फाइट हुआ उसमें पूरा माइंड चेंज। लेकिन वो होता है ना पूरी जान लगाने वाला, जो पूरी रेस में नहीं लगी वो मेरी पूरी 10 मीटर्स में लग गई पूरे गोल्ड लाने के लिए। तो मुझे बहुत उसमें मेरा मोमेंट मतलब फर्स्ट टाइम मेडल, और उसमें सभी लोग मुझे मतलब जान
उसके पहले मुझे कोई नहीं जानता था, मैं उसी ग्राउंड में एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लिया था, तब तक मुझे कोई नहीं जानता था। लेकिन सेम ग्राउंड में जब मैं एशियन गेम्स में गोंजो में ही हुआ था 2010 में जब गोल्ड मेडल लिया, तो फिर सभी लोग जानने लगे। बहुत खूब। तो आपको कैसे ये ख्याल आया कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर के तौर पे आप ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगी, क्योंकि जैसे 3x100 meters होता है या शॉर्ट रन्स होती हैं उनमें थोड़ा फर्क रहता है, और एक होता है क्रॉस कंट्री मैराथन। वैसे तो आपने टाटा मुंबई मैराथन भी किया है, मैंने देखा आपने लीड किया, तो जी सब चीजों में शॉर्ट में, और ये जो आप स्टीपल चेज करती हैं, यू नो 3000 meters तो काफी होता है, वैसे मेरे हिसाब से तो वो काफी लॉन्ग रन है, और मैराथन वैसे और भी ज्यादा है, तो कैसे आपने चूज किया कि ये 3000 meters वाला करना है? एक्चुअली जब मैं जूनियर खेलती, जब जूनियर से स्टार्ट, तो मैं 3000 1500 meters से ही स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। तब मैं आदत थी मुझे हमेशा नंगे पैर भागने की, तो मैं शूज पहनते ऐसा मुझे लगता था मैं टायर्ड हो गया, मैं भाग ही नहीं सकती हूँ, तो ये फीलिंग भी हो जाती, तो मैं हमेशा हर जूनियर कॉम्पिटिशन तक भी नंगे पैर, वो क्या है स्टार्टिंग से बता दिया गया भाई यही इवेंट करना है, तो उसमें ही हम मेडल आते गए। ये लकली रहा कि मैं जब से स्टार्ट किया है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो या कुछ भी हो, मतलब मुझे मेडल तो रहता ही था, चाहे बेस्ट ऑफ थ्री में तो मैं आउट नहीं होती थी, और वो था ना भगवान की कृपा से अभी तक सेम मेंटेन रखा है मैंने 98 से। तो जब होता है ना कि मेडल से भी आउट नहीं हो और सेम इवेंट करते जाओ, तो लगता है ना और इम्प्रूव करो और इम्प्रूव करो, तो ऐसे ही। लेकिन स्टीपल चेज जो मेरा इवेंट है, जिससे कि वो बोलते हैं ना सब लोग मुझे जान गए, या जान वो मैंने अपने रेलवे में ज्वाइन करने के बाद मैंने ये इवेंट स्टार्ट किया, वो तो क्या है कि रेलवे में आने के बाद मुझे पहले तो कोई इवेंट नहीं मिल रहा, एक साल मैंने कोई रेलवे मीट नहीं खेली, और मेरा सच में बोलूँ तो एक साल मैंने स्पोर्ट्स भी स्टॉप कर दिया ज्वाइन करने के बाद। फिर बोलते हैं ना ऊपर से प्रेशर आया, फिर नहीं नहीं आपको करना पड़ेगा, आप रेलवे में किस लिए भर्ती किए गए हैं, मेडल के लिए, आप जब रेलवे को मेडल नहीं दे सकते हैं तो फिर मतलब ऑप्शन है कि हम आपको निकाल भी सकते हैं। फिर मुझे लगा नहीं मुझे करना चाहिए, कि मतलब नौकरी से निकाल देंगे, फिर ऑप्शन नहीं है, और हमारा एजुकेशन भी थोड़ा हॉस्टल में रह के तो एक ही काम हो सकता है कि भाई प्रैक्टिस करो मॉर्निंग इवनिंग, पढ़ाई का भी इतना टाइम नहीं रहता था हमारे पास, तो फिर मैं उसकी वजह से नहीं, मेरी नौकरी चली जाएगी फिर घर में भी जाके क्या करूंगी मैं, तो मैं अभी मुंबई सेंट्रल रेलवे में हूँ, CST मेरा पोस्टिंग है, तो उस समय फिर मुझे ये इवेंट दिया गया, वो भी कहाँ पे, जब मेरा रेलवे मीट दिल्ली में था, मुझे 3 दिन पहले बताया जा रहा है कि आपको ये इवेंट करना है, तो मैं तो फर्स्ट टाइम जाके उसको देख के आती हूँ, तो देखती इतना बड़ा मतलब बहुत गड्ढा है, फिर हैडल भी क्रॉस करना है मुझे, तो बिल्कुल डिफरेंस हो गया, कहाँ मैं 3000 5000 meters करती थी और फिर डायरेक्टली स्टीपल बता दिया गया, फिर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था कि कोई इवेंट नहीं है तो फिर करना पड़ेगा, फिर जाके मैंने इसमें किया तो मेरी 6th place आई, मतलब 2006 में मुझे ये था कि कैसे भी बस एक पॉइंट दे दो, फिर अपनी नौकरी तो बचानी है, तो मेरे माइंड में भी वही चल रहा था, मैं 6th place भी आई, तो मैं फर्स्ट टाइम मुझे याद है मैं 12, 12, 10 का किया था अपना टाइमिंग, और उसके बाद फिर मुझे फील हुआ कि यार मैं हमेशा 3000 5000 में बेस्ट ऑफ थ्री में जूनियर नेशनल में मेडल है और एशियन क्रॉस कंट्री खेल के आई हूँ चाइना ही, तो मुझे लगा कि जब मैं अब मैं मेडल से बाहर हो रही हूँ जब ये इवेंट करूँ, फिर मुझे लगा नहीं मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा मेडल में रहती थी, अब मैं बेस्ट ऑफ थ्री में नहीं 6th में पहुंच गई, अगर ये फिर मैं 2000 कंटिन्यू प्रैक्टिस करके मुंबई में अपना ड्यूटी कर मॉर्निंग में प्रैक्टिस करके फिर ऑफिस जाती थी, ऑफिस आने के बाद फिर से क्योंकि मेरा ऐसा था मैं क्योंकि मैं जूनियर TC थी तो मुझे चेकिंग करने पूरे स्टेशन से इधर से उधर करना पड़ता था, तो फिर मैं पहले आके मॉर्निंग प्रैक्टिस में 4:00 या 5:00 निकल जाती थी क्योंकि मुंबई में ट्रेन में जाना है फिर बस में जाना है तो ऐसे करना पड़ता था, काफी हेक्टिक रहा है। हाँ उसके बावजूद भी मैं मुंबई में ट्रेनिंग करने के ड्यूटी करने के बाद और फिर ट्रेनिंग के बाद ही मैंने फिर मुंबई वहां से ही मैंने नेशनल रिकॉर्ड सेम इवेंट में ब्रेक किया फर्स्ट टाइम, जो मेरा 12:10 का टाइमिंग था फिर मैंने 10:18 करके नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया 2007 में सेम इवेंट में सीनियर में, वो भी जूनियर भी नहीं सीनियर में, फिर मैंने
नेशनल गेम्स, उसके बाद मारने शुरू किए तो मारते गए। फिर उसके बाद ये हुआ कि 2007 से मैं कभी इस इवेंट में पीछे नहीं हुई, मतलब कंटिन्यू चलता रहा और अभी तक मैं सेम इवेंट में एशियन गेम्स में मेडल लिया, जहाँ मुझे नेशनल में नहीं आता था। फिर सोचे 3 साल के अंदर में इसको मेंटेन करके एशियन गेम्स में मेडल लिया। एशिया में झंडे गाड़ना कोई मामूली बात नहीं है, और वो ऐसे एशिया रिकॉर्ड किया था, नेशनल रिकॉर्ड तो ब्रेक हुआ ही था, नेशनल रिकॉर्ड, एशियन रिकॉर्ड, या एब्सोल्युटली। तो सुधा, जो आपकी ट्रेनिंग हुई है वो नेशनल कैंप में हुई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में, और अभी आप जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फैसिलिटी में बैंगलोर में हैं, और आप बता रहे थे कि जैसे हाई एल्टीट्यूड पे आप लोगों को रखा जाता है बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है तो प्रेशर हाई होता है, तो एक पर्टिकुलर सेटिंग में अगर आप परफॉर्म कर लेंगे तो जब आप ग्राउंड पे दौड़ेंगे तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस जो है वो एम्पलीफाई होगी और मच बेटर परफॉर्म करेंगे। तो व्हाट आर द टिप्स, ट्रिक्स और एनी स्पेशल टेक्निक्स दैट अ स्टीपल चेज रनर शुड कीप इन माइंड? आई मीन फॉर द व्यूअर्स, मे आई टेल यू दैट द फोर ऑब्स्टिकल्स फॉर वुमेन आर 30 inches हाई एंड देर इज अ वॉटर जम्प इंक्लूडिंग द हर्डल which is 3.66 meters in length. A longer jump results in a shallower landing in the water. यानी कि स्टीपलचेज ऐसी दौड़ है जिसमें आपको हाई जंप भी करना और लॉन्ग जंप भी करना, और जितना लंबा आप कूदेंगे उतने ही छछले पानी में उतरेंगे, अगर पास में कूदे तो पानी उतना ही गहरा है। So during the course of the race, each runner must clear a total of 28 ordinary barriers and 7 water jumps. So Sudha, what are the qualities and attributes that a good steeplechase athlete should have? मैम, जो ये इवेंट है इसके लिए आपको एंड्योरेंस भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि उसके लिए फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग भी करते हैं, जैसे जिम रहता है, कोर एक्सरसाइज रहती है, और जैसे कि वाटर जंप में हम डेली अपना जंप नहीं कर सकते हैं तो क्योंकि इंजरी भी आने, अगर हम डेली उस पर जैसे वाटर जंप पानी में जंप करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्टीपल से जो अपना हमारा गड्ढा है उसमें हम एक जिम्नास्टिक मैट डालते हैं, तो हम जंप करके मैट पे ट्रेनिंग करते हैं। तो जब कंपटीशन आता है उसके थोड़ा दिन 1-2 वीक पहले हम लोग उस वाटर जंप पानी उसमें डालते हैं, तो प्रैक्टिस में फिर थोड़ा उसमें जस्ट लाइक टच करते हैं, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो जो स्पाइक्स वगैरह रहती है ना वो क्या जल्दी जल्दी ब्रोकेड हो जाता है, टूट जाता है, तो हम लोग उसमें। और बाकी जो अपना आपने बताया ये इवेंट तो है पूरा डिफिकल्ट तो रहता ही है, जैसे मैं 42 किलोमीटर भी मैराथन करती हूँ, लेकिन आगे जब स्टीपल में 42 भी उससे थोड़ा मुझे कम लगता है, लोगों को लगा 42 किलोमीटर बहुत अपना हार्ड तो है, बट जब स्टीपल चेस का वो अलग ही सिस्टम हो जाता है, जब वो 3 राउंड जंप आते हैं ना उसके बाद फिर वो ऐसा लगता है कि वो जंप होना ही नहीं है। तो बाकी हम लोग तो चलो प्रैक्टिस करते हैं कंटिन्यू, और हम लोग कंटिन्यू नेशनल कैंप में रहते हैं, और थैंक्स मतलब जो साइज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इनका जो सब लोग मिलके एक नेशनल कैंप जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है अभी तक, मुझे लगता है कि सिर्फ एक एथलेटिक्स है जो कंटिन्यू ब्रेक नहीं हुआ है कैंप, इसके लिए हमारे जो फेडरेशन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया डॉक्टर ललित भनोट और बाकी उनकी सारी टीम है उनका थैंक्सफुल हम लोग करना चाहेंगे कि कोविड में भी हमारा कैंप ऑफ नहीं किया गया, बाकी बहुत सब लोग घर चले गए तो हमें उन्होंने ये डिसीजन लिया नहीं आप ये लोग जाएंगे इनको कुछ भी हो सकता है, तो अंदर ही रहो, अंदर ट्रेनिंग करो, अंदर खाना है। पहले तो 2 मंथ्स हम लोग हॉस्टल के अंदर थे अप्रैल में, तो ऐसा था कि हम लोग 2 महीने ऐसा लग रहा था हम लोग कहाँ जैसे कहते ना जेल में आ गए, बस हॉस्टल से गेट से ग्राउंड बाहर से देख रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हुआ। उसके बाद फिर हमारी फेडरेशन ने फिर मिनिस्ट्री सब लोग ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है हम लोग इनको ग्राउंड में ओपन करते हैं, उसके बाद वो लगता है ना ग्राउंड में जाके वो फीलिंग अलग होगी कि यार 2 महीने बाद निकल रहे हैं हम लोग 2 महीने से हॉस्टल में रूम में जाना है, मैस में जाना है, एक रूटीन बन गया था, सिर्फ हम लोग अंदर ही लॉन में एक्सरसाइज स्टेयर रनिंग हॉस्टलों के अंदर ही करते रह गए। तो जब ग्राउंड में आए तो ऐसा लगा कि फिर भी हम लोग खुश थे कि चलो गेट के बाहर नहीं जाने दिया जा रहा लेकिन हम लोग इधर अंदर है, तो बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था। लेकिन कोविड से बचाव तो जरूरी था,
So, जी, good decision. And the government of Uttar Pradesh honored you with Manyavar Shri Kanshi Ramji International Sports Award. The government of India conferred on you the Arjun Award, which is India's second highest sporting honor. And then this year in 2021, the government of India decorated you with Padma Shri, which is India's fourth highest civilian award. So these speak highly of you, of course. But how's the monetary reward for players these days? You know, we have heard cricketers getting a big sum of money and having huge fan following. People have been very passionate about India versus Pakistan test matches and have been breaking their television sets if India loses. The leagues are owned by big businessmen and are highly priced. So how do you compare the glory of the 3000 meter steeplechase or the track and the field arena as whole with cricket? पहली बात तो मैं अपना इवेंट में और क्रिकेट में ऐसा कोई कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अपने इंडिया वो हम किसी को बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आपने भी देखा है कि मतलब बोलते हैं ना कि एक क्रेज होता है या पहले से बना दिया गया है, मतलब अगर छोटा भी मतलब रन भी उनका रणजी भी चलता रहेगा तो इतनी भीड़ और ये सब चलता रहता है। तो मुझे वैसे तो अभी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे भी नहीं बोल सकते कि भाई हमारा कोई भी गेम हो ये सपोर्ट नहीं। अभी जैसे कि कबड्डी भी देखिए, लीग मैच चल रहे हैं और भी बाकी भी हैं बहुत सारे, अभी अभी सब लोग ऊपर मतलब क्रिकेट से भी ऊपर हम लोग देख रहे हैं लोगों की हाँ ये है। पहले क्या था, पूरा क्रिकेट पे ही ध्यान था। तो मुझे लगता है कि मैं अपने पहले बात तो मैं जितने भी न्यूज चैनल हैं और अभी तो बहुत ही सपोर्ट, आप लोग भी सब लोग को देख रहे हैं, सारे इवेंट्स को देख रहे हैं, सब को दिखा भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी भी लोगों को उनको वहां तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी उतनी ही मेहनत करते हैं और इंडिविजुअल रहता है कि हम लोग सेम मेहनत रहता है, सब कुछ रहता है। हम लोग भी ओलंपिक्स होता है मतलब जैसे क्रिकेट में है उसमें ओलंपिक्स नहीं है, तो हम लोग तो पूरी क्या बोलते हैं पूरे वर्ल्ड से हम लोग कॉम्पिटिशन करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि सारे गेम को भी ऊपर उठाना चाहिए, तभी लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये इवेंट है या हमें करना है। और रनिंग ऐसा चीज है कि रनिंग ऐसा है इवेंट है कि हर किसी भी इवेंट में सभी गेम में चाहिए, तो चाहे वो कोई भी गेम हो, एथलेटिक्स तो है ही है, जैसे हैंडबॉल हो, वॉलीबॉल हो, किसी भी चीज में आपको फिटनेस के लिए तो एथलेटिक्स ही रन तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हम अपने इंडिया में भी जो लोग हैं ठीक है, इंटरेस्ट सबको होता है, लेकिन हम मुझे चाहिए कि सभी इवेंट पे फोकस करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि अगर हम यहाँ तक ये चीज कर रहे हैं तो लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेट रहेगा तो हम आगे और भी अच्छा करेंगे। और गवर्नमेंट से तो हमें पूरा मोटिवेट है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बाकी हमारे पब्लिक से जरूर है कि वो लोग भी देखें और आगे लोगों को बढ़ाएं। जो हो गया है वो आएगा कि देखे सुबह की रेस देखने के लिए ना लोग अपना टेलीविजन सेट हमेशा ऑन रखेंगे और देखेंगे कि एक फीमेल खिलाड़ी जो रायबरेली जैसी एक छोटी जगह से आके भी इंडिया को उस मुकाम तक लेके जा चुकी है, वो और क्या क्या लॉरेल्स लाती है देश के लिए। हाँ, एक्चुअली मैं चाहती हूँ, चलिए मैंने कर लिया, लेकिन जो मेरे आने वाले भी और भी प्लेयर्स हैं एक्चुअली फिर उनपे भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि उनको भी जानना चाहिए कि हाँ ये है इस फील्ड में है, ये इवेंट है, ऐसा है, कोई भी इवेंट हो चाहे स्टीपल चोस या लॉन्ग जम्प हो, स्टीपल जम्प हो, सब पे ध्यान देना चाहिए। वैसे तो जैसे कि मैंने कहा आपके स्टीपल चेज जो है वो ना सिर्फ एक दौड़ है, वो लॉन्ग जंप और हाई जंप का मिश्रण भी है, सभी कुछ इसमें आ गया है। तो सुधा जी, जी। रिमार्केबल टू रिप्रेजेंट इंडिया मल्टीपल टाइम्स इन द प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड फेम लाइक एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड ओलंपिक्स। सो गिव अस सम इनसाइट्स इनटू द टफ सिलेक्शन प्रोसेस एंड मेमोरीज फ्रॉम दीज कॉम्पिटिशंस। ऐसा कभी सिलेक्शन में ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा क्वालिफाई या पहले ही जो भी इवेंट रहा है, चाहे मैं आपको बताया जैसे 2006 में मैंने अपने इवेंट में 6th प्लेस आए, फिर उसके बाद में मैं 2 ओलंपिक सेम इवेंट में पार्टिसिपेट किया और 3 एशियन गेम्स किया और 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप किया।
तो चार बार एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल लिया। तो मैं पहले बात तो मैं थैंक्स गॉड को करना चाहती हूँ कि जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मेरा टारगेट ही नहीं था इतना कि मैं एशियन गेम्स क्या होता है, ये क्या होता, मतलब टारगेट ही नहीं था कि मुझे यहाँ तक खेलना है या अचीव करना है। वो बोलते हैं ना कि एक जैसे जब मैंने नेशनल रिकॉर्ड किया तो मुझे नेशनल कैंप सीनियर का मिला, फिर यहाँ पे कोचेस सब बाहर के कोचेस, मतलब वो क्या बोलते हैं, सीढ़ी अपने आप चढ़ते गए और द्वार खुलते गए। द्वार खुलते गए, फिर हमने मैंने भी कंटिन्यू मतलब मेहनत की। 2007 से मैं अभी नेशनल टीम में कंटिन्यू रही, एक भी साल मेरा ब्रेक नहीं हुआ। आपने देखा होगा प्रोफाइल 2009 से मेरा कंटिन्यू इंटरनेशनल मेडल है, उसके पहले मेरा नेशनल मेडल तो सब में है, मीट रिकॉर्ड है, नेशनल रिकॉर्ड, मैं कहीं भी जाती थी मीट रिकॉर्ड नेशनल रिकॉर्ड अपने इवेंट में मुझे करना ही रहता था। तो ऐसे सभी लोग बोलते थे तुम माइक्रो सेकंड से किया करो, एटलीस्ट और भी काउंट हो जाएगा। तो मैं इसी इवेंट में 9 बार में अपने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो सिलेक्शन की इतनी कभी प्रॉब्लम नहीं आई मुझे, क्योंकि हमेशा मैं अपने इवेंट्स में गोल्ड मेडल लेती गई, क्योंकि देखिए ये इंडिविजुअल टॉपर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं टॉपर के लिए भी और जो एथलेटिक्स है ना, इसलिए मुझे मतलब कि मेरा इंडिविजुअल गेम है, मैं फर्स्ट आ रही तो मैं ही जाऊंगी, ऐसा कुछ कोई मुझे सेकंड थर्ड नहीं कर सकता। या सेकंड जो बेस्ट 3 रहेगा वो जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई आपको फर्स्ट लेके सेकंड को ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अभी तो ऐसा होता भी नहीं है, टीम गेम का मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिविजुअल गेम में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत खूब, आप अपनी मेहनत करिए, अपना जितना आपका वो बोलते हैं ना, आप अपना मेहनत जितना करेंगे उतना ही आपको वहाँ पे फील्ड में मिलेगा। परिश्रम का फल हमेशा ही मीठा होता है, मीठा और होता है। एग्जांपल है। लेकिन सुधा जी देखिए, हर चीज के ना दो पहलू होते हैं, यू नो देयर आर 2 साइड्स ऑफ द कॉइन। सो व्हेन यू आर इन अ पोजीशन एट अ सर्टेन लेवल, यू सी बोथ द गुड एंड द बैड, द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स ऑफ द सिस्टम। So you've been a national champion since 2005, which is 1.5 decade. So how has the industry evolved over a period of time? What changes have you noted in the sports domain space? How did you react, adopt, or get adapted to those changes? Personally, how do you take sports injuries and politics that comes along? What should improve and how do you foresee the future? जैसे कि मैंने बताया 2005 तक तो ठीक है, नेशनल में मेडल था और सभी मतलब इतना कुछ नहीं था, जितना भी अचीवमेंट था सिर्फ मेरे लिए था, क्योंकि जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा वो बोलते हैं वही चीज मैंने आपको बताई कि हम लोग नेशनल भी मेडल लेके यहाँ तक एशियन क्रॉस कंट्री भी 2005 में गई थी जूनियर से, फिर भी कोई नहीं जानता था। तो कुछ चेंज नहीं, सेम वैसे ही चलता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर यही चीज मुझे लगता है कि जो नेम फेम अगर उस समय भी मुझे थोड़ा सा ये बढ़ाया मतलब आगे बढ़ाया जाता तो मुझे भी लगता कि आज मेरा इतना नाम हुआ है, मुझे और आगे करना चाहिए। तो थोड़ा सा तो मन में चेंज होता ही है। जैसे जैसे मैंने फिर लाइफ टर्न जैसे चेंज हुआ कि भाई अब इंटरनेशनल मेडल आने लगा और फिर सभी लोग जानने लगे, और कभी जो आप जैसे इंजरी बता रहे हैं तो ये भी मैं थैंक गॉड को करना चाहती हूँ कि जब तक मैंने आज तक स्पोर्ट्स किया तो मुझे इंजरी नहीं हुई। बस मुझे लास्ट ईयर मैंने बताया कि कोविड का पहले मुझे मार्च में फ्रैक्चर हो गया था, तो मुझे उस समय ही इंजरी आई। पूरे फुल लाइफ में स्पोर्ट्स मैंने यहाँ तक अभी तक फिनिश कर लिया, मुझे ऐसा इंजरी नहीं। हाँ कई फीवर थोड़ा 2016 में मुझे स्वाइन फ्लू हो गया था। एक बार मैंने सुना था किसी गेम में नहीं, एक्चुअली वो ओलंपिक्स में ही हो गया था 2016 रियो ओलंपिक्स में। तो वहाँ भी मुझे लाइट ऐसा उस समय लगा था कि मेहनत मेरी अच्छी थी काफी, मतलब इम्प्रूव करके। उसके पहले मैं चाइना में डायमंड लीग खेलने के लिए गई थी, डायमंड लीग में भी मेरा बेस्ट मैंने उस समय 926.55 करके नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से वहाँ पे मुझे पहले लाइट फीवर लगा तो मुझे लगा ऐसे ही है, अपना मेडिसिन वगैरह खा लिया, लेकिन वो मुझे बाद में पता चलता गया मेरी बॉडी वीक होती गई। लेकिन उसमें भी मैंने अपना कॉम्पिटिशन कम्पीट किया, मुझे नहीं तब तक मुझे नहीं पता था। जब मैं इवेंट फिनिश हो गया उसके बाद भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी में कुछ जान नहीं थी तो मेरा
मतलब नहीं कम्पीट कर सकते थे। लेकिन जब मैं इंडिया में आई, रास्ते में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, मैं कैसे रियो से इंडिया आई, उतना 12 आवर्स का फ्लाइट का जर्नी करके, फिर उसके बाद दुबई से, जब मैं यहाँ पे आते ही मुझे डायरेक्ट मुझे हॉस्पिटल में ही, फोर्टिस हॉस्पिटल में कर दिया गया। पहले मुझे बोला गया कि नॉर्मल फीवर है, लेकिन आप लोग वो बोलते हैं ना कि आपके जितने भी न्यूज चैनल है सारे लोग फिर मेरे ऊपर ही फोकस कर दिया कि मुझे जीका वायरस है। हमारी स्टार मुझे को क्या हुआ? पहले मुझे स्वाइन फ्लू नहीं, पहले मुझे जीका वायरस ही बता दिया था कि मुझे जीका वायरस है, इनका चेकअप करो। ये मतलब हॉस्पिटल में ही वो लोग क्या बाहर बैठ गए थे। फिर वो सभी लोग ने भी मुझे, फिर न्यूज चैनल वालों ने ही मेरा बोला कि इनका ब्लड पूना में भेजा जाए। बाद में पूना में चेक होके आया तो मुझे तब मुझे स्वाइन फ्लू था। तो मतलब ये होता है ना, उस समय 2 महीने तक मैं मतलब बिल्कुल भी मेरा बॉडी ये नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स कर भी सकती हूँ, जो होता है ना बॉडी पूरा वीक हो चुका था। उसके बाद भी मैं 2000 से थोड़ा 2 महीने घर पे रह के अच्छे से डाइट किया, खाया, घर का खाना होता है ना मम्मी लोग का हाथ का काफी उससे क्रंच देता है, शुद्ध शुद्ध खाना रिकवर किया आपके स्वाद अनुसार। या उसके बाद मैंने 2017 में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया था अपने इंडिया में, भुवनेश्वर में हुआ था। फिर वो बोलते हैं ना एक थोड़ा सा शायद उसके लिए ब्रेक हुआ वहाँ, ये था कि मुझे 2012 ओलंपिक्स में मैं तो जूनियर में थी, मतलब जूनियर से जस्ट सीनियर में आई थी तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन जब 16 का था कि मुझे कुछ करना है, मेडल लेना है, लेकिन उस समय मेरा साथ मतलब होता है ना कि फीवर की वजह से नहीं हो पाया। ले उस समय मैंने अपने 42 किलोमीटर मैराथन में और 3000 मीटर स्टीपल चेस में दोनों में क्वालिफाई किया था मैंने। लेकिन डिसाइड किया था कि वहां पे जाके स्टीपल चेस मतलब करना है। तो अभी वही अब तीसरा और मेरा ओलंपिक्स है, क्योंकि अभी ये है नहीं मेडल ही लेना, खेल के तो 2 बार आ चुके हैं अभी मुझे मेडल लेना है, कुछ करना है, अलग से कुछ होना चाहिए। लगे रहिए, तो प्रगति के पथ पर आप जिस तरीके से अग्रसर हुई हैं तो आगे भी मार्ग खुलेगा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारः, कर्म करते जाइए, कर्म करते रहिए। तो विनिंग और लूजिंग इज समथिंग यू डोंट नो अंटिल यू हिट द फिनिश लाइन, एंड समटाइम्स इट इज रियली वेरी नेक टू नेक। When you put and do your hard work and when you put your hours for the practice, when you are all set to build your stamina, how do you constantly feel motivated? देखिए, जब हम किसी चीज को एक हम काम करने लगते हैं ना, कोई भी काम हो, अगर कोई मुझे लगता है कि अगर हम कोई काम अपनी शिद्दत से एक ये करें कि हम मुझे ये गोल अचीव करना है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं, अगर हम दिन रात यही सोचें कि नहीं मुझे इसको तो पाना है, तो अगर हम कंटिन्यू यही सोचते रहें, अपने दिमाग पे भी बिठा लें, और वो हम मुझे जितना मेरे साथ तो ऐसे हुआ है क्योंकि वो मेरा अचीव हुआ अभी, क्योंकि मेरा जो जितना गोल है तो मैं अपना अपने हर मिरर के और साइड में पूरे रूम में मैं अपने घर में चिपका के रख देती हूँ क्या भाई मुझे अभी ये ओलंपिक्स क्वालिफाई करना है, तो मुझे ओलंपिक मेडल करना है, मुझे ये टाइमिंग करना है। तो हम किसी चीज को सुबह शाम अपने दिमाग में अगर हम वही बिठा लेंगे, दिमाग में बिठाने के साथ साथ काम भी, मतलब अपना काम भी करना है, तो लिया, डिटर्मिनेशन है और कार्य बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल अचीव होगा, मिलेगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। कभी कभी तो देखिए, कभी कभी तो चलता है, ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स आपको पता है हमेशा किसी को फर्स्ट नहीं कर देता, एक दिन तो थोड़ा सा ग्राफ चेंज होता ही है, ग्राफ चेंज होते रहते हैं। मेरे साथ तो बहुत ग्राफ चेंज हुआ, लेकिन उस ग्राफ के साथ साथ आगे बढ़ना है। अब जो हो गया उसके लिए हमें नहीं सोचना, आगे बढ़ना, आज ये टाइमिंग नहीं आया कोई बात नहीं, कल हमें वो सेकेंड मिनट इम्प्रूव करना है। क्या बात है, क्या जज्बा है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि जो ओलंपिक्स हैं, यू नो लाइक यू नो सिंस द 1968 समर ओलंपिक्स, स्टीपल चेज इन द ओलंपिक्स हैज बीन डोमिनेटेड बाय केनियन एथलीट्स। जी जी, करंट गोल्ड मेडल स्ट्रीक सिंस 1984 एंड अ क्लीन स्वीप ऑफ द मेडल्स एट द 1992 एंड 2004 गेम्स।
So how was your experience at London and Rio de Janeiro Olympics, and how's your preparation for the Summer Olympics to be held in Tokyo in July 2021? जैसे मैंने 2012 में लंदन ओलंपिक्स का टाइम पे हम लोग सच बता तो हम लोग केनिया में ही ट्रेनिंग कर रहे थे. फोर मंथ हम उनके साथ में ही ट्रेनिंग किया, जो वर्ल्ड चैंपियन है या गोल्ड मेडलिस्ट है. हाँ, हम उनके साथ केनियंस के साथ ट्रेनिंग करके, लेकिन कोच उनके इटालियन थे. और फिर उसके बाद हम लोग जाके 3 months इटली में स्पीड वर्कआउट किया. जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ भी हाई अल्टीट्यूड है, तो हम लोग क्या स्पेशली जाते हैं, जैसे अभी बैंगलोर में मान लीजिए अभी हमें ऊटी में हमारा है, तो जब हमारा ऊटी में कैंप शिफ्ट होगा तब हम जाते हैं. वो लोग है क्या है, उनका घर है सब कुछ, वो हाई अल्टीट्यूड पे ही रहते हैं, तो उनको हमेशा कभी भी आप वो आएंगे नीचे या कॉम्पिटिशन सी लेवल में करते हैं तो उनको हमेशा बेस्ट होता है. तो हम लोग बोलते हैं कुछ तो नेचुरल, जैसे कि होता है ना नेचुरल प्लेस में रह के हमारी बॉडी भी वैसे ही बन जाती है किसी चीज को करके, तो वो लोग हमेशा वहां पे रहते हैं. सब हम लोग बोलते हैं ना वो बहुत स्ट्रांग है, ऐसा कुछ नहीं है. हम लोग उनके साथ ट्रेनिंग किया या उनका ऐसा डाइट भी नहीं है, सच बोलूं तो जो हम लोग डाइट या यहाँ पे मिल रहा उनका तो सच बताऊं इतना भी नहीं है. मैं जो मैंने देखा है क्योंकि हम लोग भी वहीं रह के वही चीज खाया है सब. इतनी स्टैमिना कैसे आता है, इतना दौड़ना है कूदना भी है. सबसे बड़ी बात वो बोलते हैं ना कि वहाँ पे आप ओलंपिक में भी मेडल लेके जाइए तो इतना भी उनको ना मनी है और ना उनको उनका इतना उनके पास पैसा नहीं. कोई भी स्पोर्ट उनको ये रहता है कि मेरा एक कॉम्पिटिशन, ये मेरा जिंदगी, वो सोच के करते हैं कि यही लास्ट है, इसी से मुझे पैसा मिलना है. तो बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ की जब खान हमारे यहाँ भी जैसे बहुत, जैसे कि अभी मैं अपना ही बता रही हूँ कि अगर हम लोग कॉम्पिटिशन अपना इंडिया फिर भी बहुत है, आप नेशनल में मेडल लेके भी जॉब मिल जाता है, वहाँ ओलंपिक्स में मेडल लेने के लिए भी एशियन गेम्स वालों कोई भी इतना नहीं, वहाँ पे नहीं है कि पैसा भी नहीं है कुछ नहीं है और इतना नाम भी नहीं है. तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग मतलब इंडिया में रह के इतनी. आप बता रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री अफ्रीका में होने के कारण वहाँ और भी टफ है और हालात स्थिति है, हालात भी वो हाँ बहुत ही हालात ऐसे हैं और वो लोग इतना उसका करने के बाद ओलंपिक्स में मेडल ले रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है. इसलिए हम लोग उनको देखे, पहले हम लोग भी सोचते थे बहुत डरते थे, कभी कभी होता था कि फर्स्ट टाइम जाते ये बहुत स्ट्रॉन्ग, पहले से हमें बताते बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जब हम लोग उनके साथ रह के ट्रेनिंग की, हमने ट्रेनिंग भी हम इनके साथ करते हैं तो कॉम्पिटिशन में ही क्यों मतलब डरना, तो हम लोग तब से मेरा एक डर भी खत्म हो गया सच में बोलूँ तो. जब साथ में रहते हैं आप दूर से बोलते हैं ना कि जिसके साथ आप जैसे कि ऐसे फ्रेंड से वो ना हो और आपको लगे ये कैसा है, अब जब हम पास में जाते हैं तो हाँ अरे ये तो बहुत अच्छी, तो वही चीज इधर है कि हम लोग फिर मेरा डर ही खत्म हो गया कि हाँ अरे मुझे तो इनके भी दो हाथ पैर है हमारे भी दो हाथ पैर है तो हमें डरना क्यों है. अरे श्री कृष्ण से किसी से नहीं नहीं हाँ भगवान से बिल्कुल नहीं. पहले ये डर था हम लोगों का, अरे केनियंस आ रहे हैं इथियोपियंस आ रहे हैं, हम लोग मतलब काउंट भी कर लेते थे लेकिन अभी काउंट नहीं करते. अभी ये है कि अपना करना है, मुझे टारगेट रहता है कि मेरा आज ये टाइमिंग बेस्ट करना है. मुझे कभी कभी मैं मेडल का भी नहीं सोचती हूँ, भाई मेडल तो आएगा जब अपना टाइम बेस्ट करेंगे तो मेडल आना ही है, तो अचीव करो कि अपने टाइमिंग को कैसे इम्प्रूव करना है. मतलब आपने जो है अपने जो फोकस था वो अपने टारगेट पे, अपनी परफॉर्मेंस पे, अपने इम्प्रूवमेंट पे रखा. बहुत ही बहुत खूब, वेरी नाइस वेरी नाइस. और टोक्यो के लिए भी मतलब उसी तरीके से आप फिर मेहनत कर रहे हैं. वही से हाँ वैसा ही ट्रेनिंग चल रहा है हमारा, उससे भी अच्छा चल रहा है अभी. वेरी नाइस. सो सुधा यू हैव आल्सो बीन डूइंग अ लॉट ऑफ फिलैंथ्रोपिक वर्क, सो टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट योर एनजीओ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सुधा सिंह फाउंडेशन एंड द फॉस्टर किड्स स्कूल. देखिए मुझे सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे भी मुझे सोशल वर्क में बहुत ही ज़्यादा मतलब काम, मुझे लगता है कि मैं स्पोर्ट्स छोड़ने के बाद सबसे पहले यही काम करूँगी. तो मेरे घर में भी मेरे भाई लोग हैं, जितना भी मतलब मेरे बड़े भाई हैं जो आर्मी में हैं, अभी उनकी पोस्टिंग कारगिल पे है और आज भी फोन मतलब कभी कभी वो वीकली में एक बार बात होती हो, आज फोन मिलाया तो बात नहीं हो पाई मेरी, मैं रेस्ट कर रही थी साइलेंट करके. तो जो छोटा भाई मेरा प्रोफेसर है तो वो वहाँ पे ही थोड़ा सा देखते हैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं,
तो हमें ये है कि चाहे कोई भी लाइन हो, अगर हम स्पोर्ट्स एकेडमी, जैसे अभी मैं ये है टारगेट है कि मैं स्पोर्ट्स एकेडमी करूं और अपने मतलब कि जितने भी बच्चे हैं गांव से लेके या शहर से लेके, मैं जैसे रायबरेली के बच्चों, जैसे मैं रायबरेली में रही हूँ, पढ़ी लिखी वहीं पे बड़ी हुई हूँ, तो मुझे कि रायबरेली और मेरा जैसे विलेज अमेठी है, तो पहले मैं वहाँ को दो जगह से अपने वहाँ से बच्चों को अच्छे से एक एक गांव से लेके आऊँ और उनको मतलब अच्छा उनको एक मौका दूँ। अगर मैं यहाँ तक अगर पहुँच सकती हूँ तो वो भी तो पहुँच सकते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे फैसिलिटीज मिलती गई तो मैं जो चीज़ मुझे नहीं मिल पाई, जो मैंने अभी तक अचीव नहीं कर पाई हूँ, तो मैं सोचती हूँ साथ उनको उनके थ्रू उनको आगे बढ़ा के या उनसे उनको आगे बढ़ाऊँ तो मुझे और खुशी होगी। और फिर मैं इतना स्पोर्ट्स करके और मैं जाके फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाऊँ या अपने काम में बिजी हो जाऊँ तो मेरा क्या फ़ायदा रहेगा इतने साल स्पोर्ट्स करके, और इतना मैं थोड़ा भी योगदान अपना भी किसी को नहीं दे पाऊँ। तो मुझे कि थोड़ा चलो स्कूल्स ओपन किया फाउंडेशन के अपना छोटा सा, तो उसमें अभी छोटे छोटे बच्चों को मैं एक्टिविटी कराते रहती हूँ, रनिंग मैं उसमें भी स्पोर्ट्स का ज़्यादा उनको जंपिंग या प्राइज मनी छोटा छोटा चीज में उनको कुछ कुछ वीकली मैं बोल देती। वैसे तो वो लोग जो स्कूल से रहता है उनको प्रोत्साहित कर, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो मैं अपना ऐड करा देती हूँ थोड़ा सा कि उनको थोड़ा जंपिंग कराओ, थोड़ी सी ये सब कराओ। और अभी मैंने सोच रखा है उनके छोटे स्मॉल हेडल आते हैं और छोटे छोटे कूंस आते हैं, तो अभी मैं यहाँ से बुक करूँ और उनको ऑनलाइन करके फिर स्कूल्स में अभी जैसे ओपन होगा तो वो लोग कम से कम एक्टिविटी में थोड़ा रहें। तो जब स्टार्टिंग से बोलते हैं ना चाइनीज भाई इतना मेडल एशिया में है, चाइना में मेडल आ रहा, इंडिया में क्यों नहीं आ रहा, तो वही है चाइना में आप 2-3 साल से वो बच्चों को पूरा स्टार्ट कर देते हैं प्रैक्टिस करके, स्ट्रेचिंग से लेके उनका जो रहता है, तो वो लोग आगे, हम लोग सोचते हैं अरे मुझे तो 24 का ओलंपिक करना है, वो ये नहीं सोचते, वो 3 ओलंपिक का आगे चलते हैं। अभी मान लीजिए 10 साल का सोच के उस बच्चे को 10 साल तक को बिल्डअप कर रहे हैं, तो वही चीज हम लोग भी कर सकते हैं। हम लोग क्यों हर कॉम्पिटिशन, हम लोग भी उनको धीरे धीरे मतलब अर्ली चाइल्डहुड से ही आपने किसी का जो टैलेंट है, वो कहते हैं ना होनहार बिरवान के होत चीखने पात, तो पहले ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया और तो वो आपने डेवलप किया टैलेंट को। जी हाँ, क्योंकि फिर मैं सोची स्पोर्ट्स अगर मैं स्टॉप करके उसके बाद मेरा टारगेट है एकेडमी बनाना, क्योंकि उसमें मुझे सबकी हेल्प भी चाहिए लोगों की, क्योंकि अकेले नहीं बना सकते हैं। अगर जैसे छोटा था क्योंकि आपको पता है 400 मीटर ग्राउंड के लिए भी हमें ग्राउंड, फिर सिंथेटिक ट्रैक, काफ़ी चीज़ें उसमें चाहिए, तो मैं गवर्नमेंट का भी अभी सपोर्ट मतलब लूँगी और सबसे करके फिर अपने रायबरेली में या मेठी कहीं भी एक सिंथेटिक ट्रैक पहले मैं, क्योंकि अभी वहाँ सिंथेटिक ट्रैक नहीं है, तो जब तक ट्रैक नहीं तो बच्चे कहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो जब हम उनको सुविधा देंगे तभी तो हम उनसे कुछ बोलते हैं ना, जब हम कुछ देंगे तभी तो हम पाने की सोचेंगे कि भाई कुछ कर। तो अभी हम ग्राउंड ही नहीं है तो हम उनको कहाँ ट्रेनिंग कराएंगे। तो मैंने जो स्कूल्स ओपन किया है, तो स्कूल्स ओपन करने का एक मेरा एक दो मोटो है, एक तो बच्चों को पढ़ाई कराना और दूसरा उनको उसी स्पोर्ट्स में लाना। जैसे कि मैं भी अपने स्कूल से निकल के आई हूँ और उस तब तो इतना स्पोर्ट्स का क्रेज नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं छोटे से स्कूल में जो गवर्नमेंट का स्कूल था उसमें से निकल के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो अब मैं इतना यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं उनको, मुझे पता है कि मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या फैसिलिटीज और क्या क्या छोटे छोटे बच्चों से लेके उनको कहाँ तक आगे पहुँचाना है और कहाँ तक उनको इम्प्रूव करना है, और तो उस हिसाब से मैं दो चीज सोच रही हूँ, एक पढ़ाना भी और पढ़ाने के साथ साथ उनको स्पोर्ट्स, जब वो धीरे धीरे बड़े भी होंगे तो उनको हम किस में शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एथलेटिक्स में ही शिफ्ट कर सकते हैं, जो गेम करना चाहे, बहुत सारे गेम है तो उनको किसी भी गेम में हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। और उसी फाउंडेशन से ही मैं अपना एकेडमी के लिए, जैसे मैं बताया मैं अपनी एकेडमी भी खोलूंगी, क्योंकि मेरा स्कूल से भी फर्स्ट मोटो है कि अपना स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने का। तो धीरे धीरे और मेरा और एक और है कि मुझे एक वृद्धाश्रम बनाना है, जो मेरा बहुत ही मन है बनाने के लिए, कि मैं हमेशा देखती रहती हूँ, कभी यूट्यूब या ऐसा चैनल में आते रहते हैं। तो हमने कहा कि एक तो ये तो करना ही है कैसे भी, मतलब
अगर मतलब कि वृद्धाश्रम खोल के, क्योंकि उन लोगों की हेल्प करके, और जैसे कि मैंने अपने घर में ना, हम लोग बाहर से पहले बाहर स्पोर्ट्स के चक्कर में हम लोग घर में रह ही नहीं पाई, मैं 2001 से मैं अपने घर पे नहीं हूँ, और अपनी दादी लोग से भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं, मतलब उनकी अटैचमेंट है बट क्या बोलते हैं, सेवा नहीं कर पाए, और अभी मेरी दादी भी नहीं है, दादाजी तो बहुत ही पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, तब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। तो मुझे लगता है कि मुझे ना हर उन मतलब कि बुजुर्गों की सेवा बोलते हैं ना करनी चाहिए, कि जिससे कि मुझे लगेगा कि मैंने अपने दादी और दादाजी की मतलब सेवा की, और मुझे चलो उनका आशीर्वाद की तरह मतलब उनका आशीर्वाद टाइप में मिले मुझे। बहुत खूब। तो पर्सनल फ्रंट पे भी थोड़ा बताइए, विवाह के बारे में आपका क्या विचार है? वो अभी ये ओलंपिक के बाद, अभी अभी तो नहीं है, ओलंपिक्स के बाद, मतलब के बाद ही सोच। कुछ दिमाग में है, कुछ बताने नहीं, नहीं अभी ऐसा कुछ दिमाग में नहीं है, बाकी ओलंपिक्स के बाद ही बताना चाहूंगी। चलिए, कोई जल्दी नहीं है, आपका भी एक लक्ष्य सामने है, एक टारगेट सामने है, पूरे देश की नजरें आप पे हैं। तो सुधा जी, बहुत ही अच्छा हमारा डिस्कशन था ये, इट वाज रियली वेरी इंसाइटफुल, और हमें कई बातें आपके बारे में जानने को मिली और बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने कुछ पंक्तियां जो हैं आपके लिए लिखी हैं, तो मैं फरमाना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य की बात होगी। तो यूं ही मेहनत करती रहो सुधा, यूं ही मेहनत करती रहो, यशस्वी भव का आशीर्वाद बना रहे, पथ के कांटे कभी हावी ना हो, मित्र जनों का सहयोग बना रहे, नक्षत्र स्वयं नतमस्तक हो, जब सुधा सिंह जैसी धाविका हो, यही मंगल कामना करते हैं हम सब, सफल तुम्हारी साधना हो। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, ये सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल योर अकॉम्प्लिशमेंट्स टिल नाउ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर मूव्स, भविष्य में भी सफलता जो है आपके कदम चूमे। और इसी के साथ यो इंडिया टीवी से मैं जसलीन खनूजा, सुधा सिंह जी से विशेष चर्चा जो आज हमने की उसको अभी मैं रैप अप करना चाहूंगी। उम्मीद है आप सभी को ये डिस्कशन जो है काफी पसंद आया होगा और आपको प्रेरणा भी मिली होगी। सुधा जी, एनी फाइनल वर्ड्स बिफोर वी से गुडबाय टू आवर ऑडियंस? पहले मैं थैंक यू सो मच आपका करना चाहूंगी कि आपने मेरी बात सबको बताई, यार आपने सबको एक बोलते हैं ना कि मेरी बात पहुंचाई सभी तक, कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, और मैं सभी जो भी यहाँ पे जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, जो भी सुन, बस मैं उनको एक ही चीज कहूंगी कि किसी भी चीज को हमें बोलते हैं ना हमेशा पॉजिटिव सोचना है, चाहे कोई भी काम हो, स्पोर्ट्स ही नहीं, हर काम के लिए भी पॉजिटिव सोचना है, और हमेशा सोचना है कि मैं हम लोग ये कर सकते हैं, कभी ये निगेटिव नहीं सोचना है कि अरे ये नहीं हो सकता है, हो सकता है, अगर हम ये सोचेंगे तो वो बोलते हैं ना अगर आप काम करोगे तो आपके ऊपर वाले भी मदद करेगा, जब आप कुछ भी नहीं करोगे ऊपर वाला भी मदद नहीं करेगा। जैसे कि मैं हूँ, सब तो बोलते हैं अरे भगवान मतलब कि बोलते हैं ना बहुत लकी है, तो हम लकी नहीं है, हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जो दो दो साल तक अपने घर से बाहर रखे हैं और यहाँ तक घर में घर भी नहीं गए हैं या मम्मी लोग से नहीं मिले हैं, तो हर चीज का एक मतलब कि हो गया कि हम लोग बिल्कुल बोलते हैं ना कि एक गोल के लिए पाने के लिए जी, तो फिर बाद में मेडल आता, हम लोग बहुत लकी है, तो ऐसा नहीं होता है, हर लेजर फोकस जिसे बोलते हैं ईगल आए हाँ, हाँ, चाहे स्पोर्ट्स हो कोई भी लाइन हो, सब जगह अपना एक गोल रखिए बस। बॉलीवुड में एक सॉन्ग है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, तो आपको जी, जी, तो बिल्कुल वही दृश्य याद आ रहा है, वेरी नाइस जी, जी। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम विद मोर मेडल्स। जी बिल्कुल बिल्कुल।
ओके मैम, थैंक यू. बेतरिए या मरिए हर कोई तो चल सिद्ध फड़िए.